आदाब, मैं हूं आपका मेजबान जावेद और आप देख रहे हैं एएसजे न्यूज। रमजान शरीफ और शबे बरात की शहरियों को मुबारकबाद के साथ शबे बरात के मौके पर सीडी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अंजनी कुमार आईपीएस के हमरा पुलिस का मक्के मस्जिद चार मीनार इलाके का हिफाजती इंतजाम को लेकर दौरा। ऐसे मौकों पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अंदाजे तखातुब और उर्दू बयानी को अवाम में काफी मकबूलियत हासिल हो रही है। पेश है कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, इस मौके पर क्या कुछ कहा सुनते हैं। तो नाज़रीन देखते रहिए एएसजे न्यूज और कीजिए सब्सक्राइब। क्राइम रिपोर्टर कैसर खान मोहसिन खान और राहुल सिंह के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। हैदराबाद सिटी पुलिस और हमारे तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शबे बारात के फेस्टिवल के समय हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में हर साल की तरह एक जोश, एक उत्साह, एक सर्विस की फीलिंग रहती है। और आज जब लगभग पूरे शहर के पांचों जोन्स में 1.5 लाख से 2 लाख तक हमारे मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स ग्रेवयार्ड में जाते हैं, इबादत करते हैं और मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं, तो ऐसे समय पे उनके सर्विस में, उनके फैसिलिटी के लिए जब हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग आगे आते हैं तो इससे बहुत खुशी होती है। आज हमारे साथ यहाँ एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल मैडम, डीसीपी साउथ सत्यनारायण साहब, हमारे डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव साहब, एडिशनल डीसीपी गौस, सभी ऑफिसर हैं। और इसी तरीके से हैदराबाद के दूसरे सारे जोन्स में सभी ऑफिसर्स, डीसीपी और सीनियर ऑफिसर्स जैसे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी क्राइम, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच, सभी अपने अपने एरिया में पब्लिक सर्विस के मोटिव से घूम रहे हैं। आज से लगभग करीब 15-16 दिन के बाद जब होली मंथ ऑफ रमज़ान शुरू होगा तो उसके लिए भी हम लोग एडवांस में अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हर साल की तरह रमज़ान के महीने में पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से 24 आवर्स कोऑर्डिनेशन सर्विस फैसिलिटी मुहैया कराया जाएगा। और ख़ास करके जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं रमज़ान के महीने का, जिसमें उनका बिजनेस अच्छा हो, जिसमें उनका सेल अच्छा हो, तो हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि उनके बिजनेस को किसी तरह से नुकसान न हो। ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस दोनों मिलकर साउथ जोन ही नहीं, हर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन, सब जगह एक ऐसी तैयारी रहेगी जिससे पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से भी जैसे GHMC, मेट्रो वाटर वर्क, ट्रांसपोर्ट जेनको, सबसे मिलकर रमज़ान की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे के साथ हम लोग सब मिलकर रमज़ान का होली मंथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे।